आज का ये केस आधुनिक समाज का एक ऐसा प्रतिबिंब है जहां एक साथ अलग अलग तबके, सोच और उम्र के कई लोग एक ऐसी आपराधिक गतिविधि का शिकार हुए जो पुलिस के लिए भी बिल्कुल नहीं थी। कैसी तबीयत है आपकी? मर जाने देती, कब तक ऐसे पैसे लुटाएगी मुझ पर? कैसी बातें कर रही हो माँ? अब तुम ही तो कहती हो कि तुम्हारी एक बेटी सीप है तो एक बेटी मोती। पर मोती है कहाँ? पहले का पैसा लेके आओ, फिर सामान लेके जाना। जाओ जाओ। पिछला पैसा बाद में, अभी पैसा पकड़ो और सामान बांधो। चलो विजय, मैं तेरे से पैसे नहीं ले सकती। ओ भैया, पैसे पकड़ो और सामान बांधो। पर दो दो चलो। सुनना, तू पैसों की टेंशन मत ले। देख, आज नहीं तो कल तुझे तो मेरी ही होना है। तेरे मेरे बीच कुछ बटा थोड़ी है कि नहीं, तू बता। अच्छा सुन, मेरे प्रपोजल के बारे में सोचना, ठीक है? अरे कब तक अपनी बहन और माँ के चक्कर में अपनी जिंदगी झंड करवाती रहेगी? नौकरी की बात करते ही कुछ एडवांस भी मांग लेना। लेकिन बॉस मुझे एडवांस क्यों देंगे? तुम मांग तो सही, देखती नहीं कितना पैसे वाला है। अरे बैठो बैठो। नमस्ते नमस्ते। बैठो आराम से। बैठ 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 आराम से, बैठ आराम से। बॉस ये मंजू है, 10वीं पास है, घर में कोई जेंट्स नहीं है कमाने वाला, बूढ़ी माँ और छोटी बहन के साथ रहती है, इस वक्त इसको काम की बहुत जरूरत है। 10वीं पास हो, फिर आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? वो सर, माँ बीमार हो गई थी इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ा रही हूँ। वाह क्या बात है, तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं, और फिर घनश्याम भी तुमको जानता है। फिर ठीक है, तुम कल ऑफिस आ जाओ और मैं सारा काम तुम्हें वही समझा दूंगा। कुछ कहना चाहते हो? अगर कुछ एडवांस मिल जाता। एडवांस? हाँ हाँ, मैं अभी आया। ये लो 25,000 है। ले 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 ले। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। चल मुझे। Ah!
हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना भैया, हॉस्पिटल चलो। गनु भाई अब आप ही देखिए ना, माँ को ऐसी हालत में छोड़ के मैं काम पे कैसे जाऊं। हाँ तो ये बात अपने बॉस से मिलकर उनको बोल दो। देख मंजू, अगर तुमने एडवांस नहीं लिया होता ना तो मैं कुछ नहीं बोलता। एडवांस? हाँ रंजू, उस एडवांस ही तो माँ का इलाज करवाया है। ती हम कैसे भी मैनेज कर लेते, वो एडवांस खर्च करने की क्या जरूरत थी। अब अपने बॉस को जाके सॉरी बोल दो आप। माफी मांगो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। वो पैसे भी तुम रख लो। मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ। मुझे जैसे ही दूसरी नौकरी मिलेगी मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। एक मिनट, बात पैसों की नहीं है, बात अपराध की है। ये अपराधी है जिसने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की, कल किसी और का करेगा। तुम थाने चलो, इसके खिलाफ रिपोर्ट डालो। मैडम मैं आपसे माफी मांगती हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए वरना फालतू में लोकैलिटी में हमारी बदनामी हो जाएगी। और ये सुधरेगा कैसे? ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आज के आज ही इसे छोड़कर मायके जा रही और डिवोर्स फाइल करती हूँ। बबीता, बबीता, बबीता। आसपास इसे कोई नहीं पहचान। सर हाल ही में हुलिया से मिलती जुलती कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखाई गई। मुझे लग रहा है इसे मारा कहीं और गया और फिर लाकर बॉडी को यहाँ डंप किया गया। आने जाने के रास्ते में या फिर आसपास कोई सीसीटीवी? नहीं सर, कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। ठीक, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जी सर। इसे जानते हो? हाँ साहब जानता हूँ, ये तो रंजन है, पास ही रहती है। ये रंजन कहाँ रहती है? आपकी बेटी दो दिन से घर नहीं आई और आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई। वो सर हमें बदनामी का डर था। कैसी बदनामी? सर मुझे रंजू की पर्सनल डायरी मिली थी। ये रंजू भी ना पता नहीं कहाँ है सुबह से। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ दुख भरी जिंदगी है, दूसरी तरफ सुख सपने आजादी। एक मन करता है मैं यहाँ सब कुछ छोड़ के विजय के साथ भाग जाऊं, पैसा कमाऊं, माँ और दीदी को खुशियाँ खरीद के दूं। लेकिन फिर सोचती हूँ कि माँ और दीदी से तो मेरी ताकत है। अगर तारे चुनने हैं तो आसमान की सैर करनी होगी। ये विजय कौन है? सर विजय रंजू का बॉयफ्रेंड था।
वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। मेरी रंजू उस घटिया आवारा लड़के को जरा भी पसंद नहीं करती थी। मेरी रंजू के पीछे पड़ा रहता था। आंटी जी देखिए, आपको तो पता ही है ना कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ रंजना भी कम, हम लोग पहले एक बैंक बैलेंस बना लें, घर खरीद लें, फिर हम लोग शादी कर लें। आंटी गोवा के जिस रिजॉर्ट में मैं काम करने जा रहा हूँ, मैंने उसके मैनेजर से बात कर ली है। मुझे क्या पता नहीं है कि गोवा में क्या होता है? मेरी बेटी को वहाँ लेकर जाएगा, इसे गलत काम करवाएगा और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। रंजना तेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। जब मेरी बेटी रंजना ने मेरी बात मानी तो उसने मुझे मार डाला। माँ सही कह रही है, मैंने खुद अपने कानों से सुना था और अपनी आंखों से देखा था। रंजू उसे गोवा जाने के लिए मना कर रही थी सर। डर गई। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। ये ले तेरी गोवा की टिकट। यार आज मैं इतना खुश हूं ना, हम दोनों गोवा जा रहे हैं। तेरा सामान कहाँ है? मुझे पता है ना, आज हमें निकलना है। माँ और दीदी को अकेला छोड़ के तेरे साथ गोवा नहीं जा सकती। ठीक है, मैं समझ गया, तुझे ना मेरी कद्र ही नहीं। ऐसा नहीं है, कद्र है, लेकिन माँ और दीदी को मेरी जरूरत है। तुझे जिंदगी भर इसी कॉलोनी में सड़ना है क्या? देख मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तू मेरे साथ गोवा आ रही है मतलब आ रही है। मैं अभी तेरा इंतजार करूंगा स्टेशन में, तू आ जाना चुपचाप। अगर नहीं आई ना तो समझ लेना आ जाना चुपचाप। आपकी बातों से लगता है कि विजय गोवा जाने ही वाला था। उसका नंबर है आपके पास? प्लीज सर। सर नंबर स्विच्ड ऑफ। इस विजय का नंबर फॉरेन सर्वेलेंस पर डालो और इसके कॉल और लोकेशन डिटेल्स निकालो, और इनसे रंजना का नंबर लो और उसके भी कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकालो। जी सर। और साथ में ये भी पता करता हूँ कि विजय गोवा गया है या फिर यहीं दिल्ली में है। क्लोई। अच्छा क्लोई, ब्रेकफास्ट रख रही हूँ यहाँ पे, जा रही हूँ ऑफिस, खा लेना ठीक है याद से। सर, सही रंजना वर्मा की पोस्टमार्टम। सही रंजना वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत गला घोटने से हुई है। यस सर, 12 जून को 3 से 5 बजे के बीच। और बॉडी हमको 13 जून को मिली थी। राइट सर, आपका शक सही था, पहले इसे कहीं और मारा गया फिर बॉडी डंप कर दी गई। सर रंजना के बॉयफ्रेंड के बारे में पता किया, यहाँ पे वो रहता था, उसने वो घर खाली कर दिया। अच्छा, और उसकी वो गोवा वाली बात? सर उसने सभी को यही बताया कि वो हमेशा के लिए गोवा जा रहा है। उसके फोन में कोई मूवमेंट? सर उसका फोन स्विच्ड ऑफ, लेकिन उसके नंबर के कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवा लिए। 12 तारीख को दोपहर 3 बजे उसका फोन यहाँ दिल्ली में स्विच ऑफ हुआ, लेकिन ऑफ होने से पहले पूरे दिन में उसने रंजना को 6 बार कॉल किया अलग अलग टाइम, लेकिन रंजना ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। और 12 तारीख को 3 से 5 के बीच में रंजना का मर्डर हुआ? सर हो ना हो ये मर्डर विजय ने ही किया है, उसे पता चल गया था कि रंजना उसकी हो नहीं सकती, इसीलिए उसने रंजना को मारा। रंजना के कॉल रिकॉर्ड से कुछ? सर कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। ठीक है, मंजू से बात करो, इस विजय को सोशल मीडिया पर आइडेंटिफाई करो, गोवा पुलिस की हेल्प से गोवा के सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स में इसका फोटो सर्कुलेट करवाओ और इसको ढूंढो। इस केस को सॉल्व करने के लिए इस विजय का मिलना बहुत जरूरी है, पता लगाओ। जी सर। साहब साहब क्यों क्यों लेके आए हो साहब, क्या किया है मैंने? यार मैंने सुना है कि घायल आशिक दुनिया चला देते हैं और छाती ठोक कर ऐलान करते हैं। तूने सिर्फ रंजना को मारा है और कबूल नहीं रहा, तू रंजना से इतना प्यार करता है और गोवा जैसी जगह अकेला चला गया उसको दिल्ली छोड़कर। सर मैंने और रंजना ने अपने रिलेशनशिप को किस्मत के ऊपर छोड़ दिया था, और मैं ये सोचा था कि अगर भगवान ने चाहा तो हमें एक बार हम जरूर मिलेंगे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं और लड़कियों की तरह सेल्फिश नहीं हूँ कि तुम्हें गोवा जाने से रोकूं। रुक भी जाता अगर मैंने पैसे नहीं कमाए ना तो तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी दीदी जिंदगी भर मुझे नकारा समझेंगी। और दिल्ली में कोई मुझे इतने पैसे नहीं देगा जितने मुझे गोवा में मिलने वाले। हम एक काम करते हैं,
अपने रिलेशनशिप को ना किस्मत पे छोड़ देते। हमारी किस्मत में होगा तो हम जरूर मिलेंगे। बड़ी फिल्मी कहानी है तेरी। तेरे जैसा आशिक पूरे दिल्ली में नहीं मिलेगा। बेवकूफ समझता है, सब कुछ अगर भगवान के भरोसे छोड़ दिया था तो 12 तारीख को 6-6 बार कॉल क्यों किए थे रंजना को? मुझे उम्मीद थी कि रंजना मेरे साथ गोवा जाने के लिए तैयार हो जाएगी, पर वो नहीं आई सर। और तूने उसे मार दिया। मैंने नहीं मारा है सर। इसे और यहाँ रखो जब तक टूटता नहीं है। सर सच बोल रहा हूँ सर। सर नहीं सर, आज पढ़ो। सर मैंने रंजना को सोशल मीडिया पे चेक किया, उसके कुछ वीडियोस मिले हैं। सर ये देखिए। इसके हिसाब से तो लगता है कि कोई जबरदस्ती इसे एक्सपोज करवा रहा था। सर क्या यही वीडियो रंजना के मर्डर का कारण तो नहीं? आईटी सेल से कांटेक्ट करो, पता करो ये वीडियोस किसने अपलोड किए और कौन से एड्रेस है, सारी डिटेल्स लो। एक मिनट सर। सर एक वीडियो में बैकग्राउंड में कोको स्टूडियो दिख रहा था, मैंने उसका स्नैपशॉट ले लिया है। गुड, पता करो ये कोको स्टूडियो कहाँ है और रंजना से इसका क्या कनेक्शन। सर तब तक मैं रंजना के घर वालों से बात करता हूँ, देखता हूँ उसकी माँ या बहन गोइन वीडियोस के बारे में कुछ पता है क्या। ठीक है। सर रंजू को बचपन से ही डांस का शौक था, पर इन वीडियोस के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इस लड़की को ध्यान से देखिए, हमें पता चला है कि ये लड़की इंटरनेट पे वीडियोस अपलोड करती थी। क्या कभी इसे रंजना के साथ देखा है? नहीं सर। स्टूडियो तो बंद है। ये स्टूडियो कब से बंद है? मैडम 14 तारीख से बंद है। 14 तारीख से? इस लड़की को जानते हो? हाँ मैडम, देखा है। दोनों अच्छी लड़कियां नहीं है मैडम। अच्छी लड़कियां नहीं? हाँ मैडम। तुम्हें कैसे पता? तो तुम भी तो चुप चुप के देखते थे उन्हें। अरे मैडम, एक बार तो उनका भयंकर वाला झगड़ा भी हुआ था। मेरे पैसे सीधा मेरे अकाउंट में आने चाहिए थे, पता नहीं तूने क्या झोल किया। रंजना मेरे पुराने पैसे दे दे, मुझे तुझसे कोई डील नहीं रखनी। रंजना चल अंदर, पहले वीडियो पूरा करो। नहीं करूंगी। फिर नहीं मिलेंगे पैसे, क्योंकि दिल्ली में ना नाश करने वाली बहुत लड़कियां मिलती है, पर उनको बेचने वाली कोको जैसी कोई नहीं, समझी? नहीं देगी तू पैसे? नहीं। और ये कोको कहाँ रहती? कुछ मालूम है उसके बारे में? नहीं मैडम। ठीक है। दामिनी, मैं कोको के घर जा रहा हूँ, साइबर सेल से मुझे उसका एड्रेस मिल गया है। सर मुझे भी यहाँ पे कोको के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिली है। गुड। कोको तुम्हारा पूरा बायोडाटा है हमारे पास। तुम जैसे लोग ही इंटरनेट टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं और फिर क्राइम करते हैं। अब ये बताओ रंजना को कब, कैसे और क्यों मारा? What? रंजना को? सर मैंने रंजना को नहीं मारा। झूठ। ये तुम्हारी मनी रेमिटेंस रिपोर्ट जो तुम्हारे बैंक से मिली है। सर मैंने कब मना किया कि ये वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की? सर आप मुझे देखिए, मैं कितनी मोटी हूँ, कितनी भद्दी दिखती हूँ। सर इसलिए लोग मेरा डांस देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं इन लोगों से डांस करवाती हूँ, इनकी वीडियोस अपलोड करती हूँ। लेकिन पैसे के लालच में तुम इनसे एक्सपोज करवाती थी और उसके बाद उन्हें पैसे भी नहीं देती थी जैसा तुमने रंजना के साथ किया, इसलिए चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो। सर आपकी सब बातें सच हैं, पर मैंने रंजना को नहीं मारा। इनफैक्ट मैंने उसके सारे पैसे उसको लौटा दिए थे और अब हम सारे पेपर सब सॉल्व आउट हो गया था। सर ये है तुम्हारे मोबाइल कॉल लोकेशन रिकॉर्ड्स। अगर सब कुछ सॉल्व ऑल हो गया था तो फिर आए दिन रंजना के घर के चक्कर क्यों काट रही थी? सर वो रंजना बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, मेरी ना उससे बहुत मोटी कमाई होती थी, मुझे बहुत ही मुश्किल से उसके घर का पता लगा और मैंने उससे बात की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। रंजना मेरी बात तो सुनो, इस बार ना मेरे पास बहुत बड़ा ऑफर आया। मुझे ऐसी कोई कमाई नहीं चाहिए जहाँ पर डांस के नाम पर नंगापन हो और लोग मेरे डांस को कम मेरी बॉडी ज्यादा देखें और फिर मेरे बारे में गंदे गंदे कमेंट्स करें। देखो मेरे सारे वीडियो डिलीट कर दो और तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। लेकिन वीडियोस तो तुमने डिलीट नहीं किए थे और तुम्हें डर होगा कि ये बात रंजना को पता चल जाएगी और इसलिए तुमने उसे मार दिया। नहीं सर वो ऐसा नहीं है, वो मैंने सिर्फ पैसों के लालच में आकर वीडियोस को डिलीट नहीं किया था, पर मैंने सर रंजना को नहीं मारा, मेरी बात का बिलीव कीजिए सर। ठीक है, तुम्हारी सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी, जब तक सच नहीं बोलती खातिरदारी करते रहे। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने रंजना को नहीं मारा। रंजना मर्डर केस अब पुलिस के लिए एक चुनौती बनता जा रहा था और इसी बीच एक और महिला की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई।
बेटा ये टाइम ठीक नहीं है, लेकिन आपसे कुछ सवाल करने पड़ेंगे। और कौन कौन रहता है इस घर में? सिर्फ मैं और मॉम ही रहते थे। अपनी मॉम की डेथ के बारे में आपको कब पता चला? आज मैं मॉर्निंग में जब घर आई तब। मॉम, मॉम, इसका मतलब आप रात में घर में नहीं थी? नो सर, मैं अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने बाहर गई थी। कहाँ? वो सर, मैंने सर। आपको क्या लगता है आपकी मॉम ने सुसाइड क्यों किया? कोई परेशानी, मुश्किल कुछ? मुझे कुछ नहीं पता सर, आई रियली डोंट नो। सर, मेरी फर्नांडिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डेथ पिल्स के ओवरडोज से हुई है। मामला सुसाइड का लग रहा है। ड्रग्स का ओवरडोज दिया भी जा सकता है। जिस तरह से मैरी की बेटी उसके बारे में बात कर रही थी, कुछ तो डाउटफुल है। मोहल्ले में जाकर माँ बेटी के रिश्तों के बारे में पूछताछ करो। जी सर। और वो रंजना वर्मा की मर्डर का क्या हुआ? सर अब तो कोई फ्रेश लीड नहीं मिला है। मैरी फर्नांडिस के सुसाइड के चक्कर में मत भूल जाना कि रंजना वर्मा का खूनी अभी भी बाहर घूम रहा है। बिल्कुल नहीं सर, उस केस पे भी पूरा अटेंशन। मैरी और क्लोए के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी, उनके बीच में रोज झगड़ा होता था। अभी कुछ दिन पहले क्लोए ने उसको धक्का मार के चली गई। क्या है ये? आपने किसको पूछ के मेरे फ्रेंड को मैसेज किया कि मैं पार्टी में नहीं जा रही? हाउ डेयर यू टच माय फोन? हां, मैंने लेट नाइट पार्टीज के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन ये ओवरनाइट पार्टीज में कभी अलाउ नहीं करूंगी। वेरी सॉरी। हु आर यू टू अलाउ मी? हां, आई डोंट गेट इट। आपकी लाइफ में हो ही क्यों? डैड की जगह आप क्यों नहीं मर गई? लिसन मॉम, मैं जा रही हूं। इसका मतलब क्लोई भी मर्डर कर सकती है? जी सर। उसके कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड निकलवाओ। जी सर। उसके घर के आसपास में 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी मेडिकल शॉप्स हैं, सबसे पूछताछ करो, पता करो ये दवाई खरीदी किसने। जी सर। अरे आ गए बेटा। हाँ माँ। अरे वाह, खरीदारी करके आई है? हाँ, ये तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए। रंजना के लिए नहीं लाई? कोई बात नहीं, देखती। बहुत सुंदर है, देख। मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, ये ना मैं रंजना के लिए रख देती हूँ। माँ, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, जा एक बार पहन के दिखाओ कैसी लगोगी। कोई बात नहीं बेटा, अब रंजना के लिए कुछ लाई नहीं हो तो नाराज हो जाएगी ना। उसको दूंगी मैं ये। माँ, रंजना कैसे नाराज हो सकती है? वो हमें छोड़ के जा चुकी है। माँ, रंजना मर चुकी है। चुप, मरी नहीं है वो, उसके लिए रखूंगी मैं। कहाँ चली गई अपनी माँ को छोड़ के? कहाँ चली गई? भाई साहब, कुछ दिन पहले किसी ने दवाई खरीदी थी, ध्यान से देखिए। सर, क्लोए फर्नांडिस की लोकेशन रिकॉर्ड से ये नया लीड मिला है। मनेसर में नहीं थी, दिल्ली में थी। जी सर। सर, ये मकबूल है, सिटी मेडिकल में काम करता है। जो मुझे बताया ना, वो साहब को बता। सर, वो जो लड़की के बारे में पूछ रहे थे ना, वो हमारे मेडिकल स्टोर पे आई थी। मेरे मालिक ने आपसे झूठ बोला था, वो नींद की गोली लेने आई थी। मैडम, डॉक्टर का नाम क्या लिखा? क्लोए फर्नांडिस। भैया मुझे, थैंक यू। अरे मैडम, रिसीप नहीं चाहिए भैया। ठीक है, जाओ इसके मालिक को अरेस्ट करो और क्लोए को भी अरेस्ट करके लाओ। सर, मैंने पता किया, वो घर पे नहीं। उसके घर के बाहर एक कांस्टेबल बिठाओ और जैसी आती है लेकर आओ। सर। क्लोई, टाइम वेस्ट नहीं करते। हमें पता है कि तुम मनेसर नहीं गई थी, दिल्ली में थी। तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की बनती नहीं थी। तुमने बहुत सारी नींद की गोलियां खरीदी, घर गई, माँ से झगड़ा हुआ तो उसे वो सारी नींद की गोलियां खिला दी ताकि उसकी मौत सुसाइड लगे। मेरा मॉम से झगड़ा हुआ था, ये सच है। मैं मेडिसिन नहीं गई थी, ये भी सच है। पर वो मेडिसिन मैंने मॉम के कहने पे ही खरीदी थी। मैंने मॉम को नहीं मारा। तुम मनेसर नहीं गई थी तो कहाँ गई थी? वो बोलो बोलो। वो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो अबॉर्शन करवाने गई थी। मैं मॉम को नहीं बताना चाहती थी वो सब बातें।
और शायद ये सारी बातें उसे पता चल गई और इसलिए तुमने उन्हें मार दिया। मॉम ने सुसाइड किया है एक्चुअली। मैंने ही उनको गलत समझा था। क्या गलत समझा? मैरी मैडम कहाँ है? मॉर्निंग हुई। मैडम ये इन्होंने मेरे साथ ट्यूशन करने की कोशिश की है। क्या? दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो और ऐसे काम करती हो। नहीं ये मैडम, मैंने इनके पास काम के लिए आई थी और इन्होंने मुझे एडवांस भी दिया था, पर जब मैं वो एडवांस वापस देने आई तो इन्होंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि तू चाहिए। ये तुम्हारी बेटी है ना, तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करे तो शी मॉम आप इस लेवल तक गिर जाओगी ना, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। आई हेट यू क्लोई। ये सबका तुम्हारी मॉम के सुसाइड से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है सर, इस इंसिडेंट के बाद मेरी और मॉम की दूरी बहुत बढ़ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी और मॉम की रिलेशनशिप की सच्चाई किसी को भी पता चले, because I'm very ashamed of it. बस इसीलिए मैंने सब आपसे छुपाया। क्या ये? सुसाइड नोट। मैं हमेशा इसे अपने पास रखती हूँ। इस चिट्ठी में जिस मंजू वर्मा का जिक्र है, क्या वो यही है? ये वही है जिसने हमारी लाइफ हेल्प कर दी। क्या उस लेडी ऑफिसर का नाम जानती हो? हाँ, मैंने नेम टैग पढ़ा था, कविता मलिक। सर कविता तो हमारे पुलिस स्टेशन में है। मंजू वर्मा को उठा लो। सर इसको पहचानती हो कविता? जी सर, इसका दो बार शोषण हुआ है, कल्प्रिट के नाम भी याद है मुझे सर, सुनील मेहता, मैरी फर्नांडिस। इसने तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल करके मैरी फर्नांडिस को ब्लैकमेल किया, लेकिन मैरी फर्नांडिस के सुसाइड ने इसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे इस ब्लैकमेलिंग के धंधे के बारे में रंजना को पता चल गया था और इसलिए तुमने उसे मार दिया? सर नहीं, मैंने रंजना को नहीं मारा है सर, और ना ही मैंने मैरी को ब्लैकमेल किया है सर, मैरी ने ही मेरा शोषण किया था। और सुनील? आप तो जानती है ना, सुनील ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, मैंने रंजना को नहीं मारा है। तुमने रंजना को मारा है या नहीं मारा है वो तो पता चली जाए, और मैरी को ब्लैकमेल किया या नहीं किया वो भी। जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक शहर छोड़कर बाहर मत जाना। इस सुनील मेहता के केस के बारे में बता करो। सर बताइए। कृष्णा बता। घबराओ नहीं, बोलो। सर एक लड़की ने मुझे प्यार में फंसाया और फिर मुझसे पैसे मांगने लगी, बोली कि पैसे दो वरना रेप केस में फंसा दूंगी। वो लड़की ये तो नहीं? हाँ सर यही थी, मंजू वर्मा। इस लड़की को हमने हिरासत में ले लिया, अब अपना नाम और एड्रेस वगैरह इस पर लिख दीजिए, हम उससे आपका सच भी उगलवाएंगे और आपके पैसे भी वापस दिलवाएंगे। अच्छा वो लड़की अकेली थी या उसके साथ कोई पुलिस वाली भी थी? सर पुलिस वाली भी थी। सर उसी से तो ये डर गया था। ये थी वो? हाँ ये थी। ठीक है आप लोग जाइए, आपको बाद में कांटेक्ट करेंगे। ओके चल। मिश्रा, सुनील मेहता, मैरी फर्नांडिस और ये लड़का कृष्णा शर्मा, मुझे लगता है इन तीनों के अलावा मंजू और कविता ने और भी लोगों को कॉन किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस कविता को गिरफ्तार करने के लिए हमें कोई दमदार सबूत चाहिए। राइट सर। मंजू के कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड निकलवाओ। जी सर। और मेरी सुनील मेहता से बात, वो मंजू के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। सुनील मेहता, करे कोई भरे कोई, मंजू का बदला उसकी बहन रंजना से निकाल लिया। मतलब क्या है आपका? सर इस पूरे कांड में विक्टिम मैं ही हूं और आप लोग मुझे ही दोषी साबित करने में लगे हुए हैं। पहले वो आपकी एएसआई कविता और अब आप लोग। सच तो ये है सर, इसी वजह से आजकल लोग पुलिस का भरोसा नहीं करते। पुलिस का भरोसा हम वापस जगा लेंगे और कविता को उसके किए की सजा भी मिलेगी। मैं हवा में फायर नहीं कर रहा हूं, ये आपके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड जिसके हिसाब से 12 जून को 4 बजे आपकी लोकेशन क्राइम स्पॉट के पास दिख रही है। सर ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मोबाइल की लोकेशन 100% करेक्ट नहीं होती। मेरा घर और मेरी दुकान के बीच में मेरा मोबाइल है, वो एक ही टावर से नेटवर्क कैच करता है। जाहिर सी बात है रिकॉर्ड्स में थोड़ा तो कन्फ्यूजन होगा ही। काफी जानकारी रखते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी के। एक सेकेंड सर,
रघु ये कार बार बार ऑन ऑफ क्यों कर रहा है? अरे बेवकूफ एक जगह पार्क कर दे। सॉरी सर। हर कोई रंजना का फायदा उठाना चाहता था, उसकी बिजनेस पार्टनर कोको जिसने उसके पैसे मार लिए थे, उसका बॉयफ्रेंड जो उस पर गोवा जाने का प्रेशर बना रहा था, और सुमित जिसके घर के पास रंजना का मोबाइल ऑफ हुआ था। पुलिस को सब पर शक था लेकिन किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे। देखते ही देखते ऐसे 10 मामले सामने आए जहां मंजू वर्मा ने शोषण के नाम पर कविता मलिक की मदद से अलग अलग औरतों और मर्दों को ब्लैकमेल किया, लेकिन रंजना के मर्डर केस का रहस्य अब भी बना हुआ था। तुम दोनों ने मिलकर बहुत सारे लोगों को चूना लगाया और तुम्हारे गुनाह साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं और तुम्हारी बकवास सुनने के लिए बहुत कम सब्र, तो फटाफट सच बोलना चालू कर दो। सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर और मैडम गई भी थी मेरे साथ। बबीता, बबीता प्लीज रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, तुम यकीन क्यों नहीं करती? इसकी बीवी चली गई इसमें तेरा क्या फायदा हुआ? मैं समझी नहीं मैडम। देख अगर तू अभी इसके खिलाफ केस दर्ज करती है इसे जेल तो हो जाएगी लेकिन ये झट से बेल पे छूट जाएगा, बदनामी तो तेरी होगी ना, समझ रही है? इसकी हालत ऐसी है कि अभी तो उसे जितने पैसे मांगेगी ना वो दे देगा तुझे, और मांगते रहना और उसमें से 50% मुझे दे देना। लेकिन मैडम अगर इसने मेरे ही खिलाफ रिपोर्ट करा दी तो? ये वर्दी किस दिन काम आएगी? और फिर मैंने सुनील से पैसे लेना शुरू कर दिया और उसके बाद मैरी को बेवकूफ बनाया। आई हेट यू मॉम। देखा कैसे आपकी बेटी ने रिएक्ट किया, सोचो अगर ये बात बाहर दुनिया में निकलेगी तो कितनी बदनामी होगी। मेरी बात मानो, मंजू को कॉम्पेंसेट कर दो, ये बात पुलिस स्टेशन तक नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। मंजू पैसे लो। इसके अलावा 8 और लोग थे जिन्हें तुमने ब्लैकमेल किया था, जिसमें वो छोटा लड़का कृष्णा शर्मा भी है। अब ये बताओ कि तुम दोनों ने मिलकर रंजना को क्यों मारा? सर हमने रंजना को नहीं मारा सर, इसीलिए मैंने सोचा कि धीरे धीरे इस ब्लैकमेलिंग के खेल में मैं रंजना को भी शामिल कर लूँगी, इसीलिए पैसा वसूली के टाइम पे मैं रंजू को अपने साथ ले जाने लगी। ऐसे में आप ही सोचिए सर मैं रंजना को क्यों मारूंगी। पता चलेगा। मिश्रा इन दोनों को 8-10 दिन यहीं रखो और इनके सारे कारनामों की न्यूज़ मीडिया को दे दो, तब ये सब उगलेंगे। सर सर अगर ये दोनों सच कह रहे हैं तो रंजना का कातिल कोई और है और वो अब भी बाहर है। ओखली में सर दे दिया मेहता जी आपको, आपके ही GPS ट्रैकर से ये पता चल गया कि 12 जून को आपकी गाड़ी उसी जंगल में गई थी जहां पर हमें रंजना की लाश मिली। शुरू हो जाइए। हाँ सर मैंने रंजना को मारा। सर को कहाँ जा रहे हैं? सर रंजना को मैंने मारा है, इन्होंने नहीं मारा। मुझे बचाने की कोशिश मत करो। नहीं मुझे यकीन कीजिए मैंने मारा रंजना को। ये झूठ बोल रहे हैं सर। सर ठीक है मान लिया आपने मारा, कैसे मारा? सर मैं गुस्से में था, मेरे हाथ में फ्लावर पॉट आ गया, मैंने उसके सर पे मार दिया और वो मर गई। सर नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने दुपट्टे से गला घोट के उसे मार डाला। देखिए एक दूसरे को बचाने से कोई फायदा नहीं होगा, सजा आप दोनों को होने वाली है क्योंकि आप दोनों पार्टनर इन क्राइम। वैसे रंजना की मौत दुपट्टे से गला घुटने से हुई थी। बोलिए बबीता जी। ये जब घर पहुंचने वाले थे तो उसके पहले ही मैं कुछ सामान लेने के लिए पहुंच गई। कौन हो तुम? मैं रंजना, मंजू की बहन। क्या काम है? साहब से मिलना था। बोलो। वो नहीं बता सकते। ठीक है अंदर आ। सर अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं होश में नहीं थी। देखिए अनजाने में ही सही, गलती तो हुई है और उसकी सजा भी मिलेगी कोर्ट में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.